Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about silicones. Silicones क्या होते हैं, उनकी definition, उनकी preparation, properties, application. आज के session में हम इन सभी top points को discuss करेंगे. तो सबसे पहले silicones क्या होते हैं? Silicones क्या हैं? Polymer हैं. These are the polymeric organo silicone. Derivatives containing silicon or silicon linkage. So ये क्या है? Polymer है organo silicon derivatives के. इनका जो general formula है वो है R2SiON. इनको हम इस तरह से represent करते हैं, silicon के साथ में 2R हो गए और यहां से O इस तरह से. सो ये इनका जनरल फॉर्मूला है. यहां से हम क्या करते हैं, इसको चेन को एक्सटेंड करके लीनियर या फिर क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स की फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलिकॉन्स को हम पॉलीसिलोक्सेन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पॉलीसिलोक्सेन्स. सो इनको हम पॉलीसिलोक्सेन्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिलिकॉन्स की वो क्या है, सिलिकॉन्स लीनियर भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, क्रॉस लिंक भी हो सकते हैं. सो कब हम लीनियर सिलिकॉन की प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह से हम साइक्लिक की या क्रॉस लिंक सिलिकॉन की प्रिपरेशन करेंगे उसको हम देखेंगे. नेक्स्ट है कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत हाई है. सो दे आर थर्मली बहुत स्टेबल, दे आर थर्मली वेरी स्टेबल. सो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर के साथ में इनको ट्रीट करेंगे सो ये क्या करते हैं, जल्दी से डिकम्पोज नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं हाई टेम्परेचर सिलिकॉन्स. सो थर्मली स्टेबल होने की वजह से हम इनको हाई टेम्परेचर सिलिकॉन्स भी बोलते हैं. नाउ प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स. सो सिलिकॉन्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. सो फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे, दैट इज RCl, उसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर. सो हम फर्स्ट क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज RMgCl. नाउ यहाँ पे जो R है वो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई भी अराइल ग्रुप हो सकता है. नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया है, दैट इज RMgCl, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे SiCl4 के साथ में. सो यहाँ से हम क्या देखेंगे, हम इसमें से MgCl2 रिलीज करा देंगे. सो जैसे ही हम MgCl2 रिलीज कराएंगे हमारे पास क्या बचा, RSiCl3. यहाँ से क्लोरीन हटा दिया सिलिकॉन के पास से, सो ये बच गया. नाउ नेक्स्ट क्या होगा, ये जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ है RSiCl3, इसको फिर हम RSiCl3 इसको फिर हम RMgCl के साथ रिएक्ट कराएंगे. सो दिस इज रिएक्टेड विथ यहाँ से हम क्या देखेंगे कि RMgCl को तो हम एज इट इज रखेंगे, प्लस जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ है RSiCl3 रिएक्ट कराएंगे. सो यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा, सो यहाँ से 2R हो गए, R2SiCl2 प्लस MgCl2 यहाँ से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. नेक्स्ट क्या करेंगे, RMgCl जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको एज इट इज रखेंगे और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ से फिर ये क्लोरीन हटा देंगे, MgCl2 रिलीज करा देंगे. सो यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, यहाँ से क्लोरीन हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, R3SiCl. नेक्स्ट क्या करेंगे, RMgCl की रिएक्शन कराएंगे फिर से R3SiCl. यहाँ पे MgCl है, यहाँ पे क्लोरीन है, सो यहाँ से हम MgCl2 रिलीज कराएंगे, दिस इज R4Si. सो जब हम सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन करेंगे सो हम इन 3 यूनिट्स को यूज करेंगे जिनमें क्लोरीन है कि हम यहाँ से हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्लियर. सो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे,
कि ये जो यूनिट हमें मिली है उनकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो R2SiCl2 था उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे ही हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। सो दिस इज यहाँ से OH ट्वाइस प्लस 2HCl। क्लियर। नाउ जो ये हमारे पास कंपाउंड था, क्या मिला है हमें, R2SiOH ट्वाइस ये कंपाउंड मिला है। ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, इसके साथ में R R OH OH, सिमिलरली टू मोल मिले हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे R R OH यहाँ से हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। सो यहाँ से क्या बना हमारे पास, OH SI R R O SI R R OH। क्लियर। तो अगर हमने, अभी देखो हमने टू यूनिट्स ली हैं, अगर हम n यूनिट्स ले, तो हम n यूनिट्स की अगर सेम तरह की n यूनिट्स को अगर कंबाइन करें, सो हमारे पास में पॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह का हमारे पास में पॉलीमर बनेगा, एस आई आर आर ओ एस आई आर आर ओ, इस तरह से अगर हमने इसको n प्लस वन लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गई, ये लीनियर सिलिकॉन बन गया। सो दिस इज लीनियर सिलिकॉन। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज लीनियर सिलिकॉन। नाउ सेकंड केस हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमें ब्रांच्ड सिलिकॉन बनाना है, तो हम थ्री क्लोरीन वाला सब्सटेंस ले लेते हैं, इसके साथ में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे जब इसको, तो यहाँ से क्या बनेगा, आर एस आई ओ एच OH OH। तो देखो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया था कि जिधर से OH है उस डायरेक्शन में जो रिंग है, उस डायरेक्शन में जो चेन है वो प्रोसीड करेगी। सो ये जो कंपाउंड उसमें OH थ्री डायरेक्शंस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, थ्री डायरेक्शंस में ये प्रोसीड करेगी। सो इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर इसकी हमने n यूनिट ली, हमारे पास ये स्ट्रक्चर था OH OH R O H, तो इसकी हमने अगर n यूनिट ली, जितनी भी यूनिट ली, हम उसको अगर प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ से कैसे बन सकता है, ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आगे चला जाएगा, दिस इज R, नाउ सिलिकॉन R यहाँ लगा दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन विल बी कनेक्टेड टू अनदर सिलिकॉन, हर सिलिकॉन के साथ थ्री ऑक्सीजन लगा के हमें उसको एक्सटेंड कराना है। सिलिकन यहाँ गया आर ओ ओ, सो ये रिंग इधर बढ़ जाएगी, इधर बढ़ जाएगी, देखो ये रिंग क्या हो गई, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। सो दिस इज क्रॉस लिंक सिलिकॉन। सो अगर हमें क्रॉस लिंक सिलिकॉन लेने हैं, तो हमें थ्री डायरेक्शन का जो जिसमें तीन क्लोराइड है उनको लेंगे, ताकि थ्री आर ओ एच थ्री ऐसा ही ओ एच बन जाए। और अगर हमें लीनियर बनाना है, तो सिर्फ दो डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन के लिए हम इसको लेंगे। क्लियर। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये चेन बढ़ती जा रही है, नाउ इस चेन को टर्मिनेट भी करना है। सो टर्मिनेटिंग एजेंट के लिए तरह हम क्या करेंगे, आर थ्री एस आई सी एल लेंगे, जब उसको हम, दिस इज सी पार्ट, सो जब इसको यूज करेंगे वाटर के साथ, तो यहाँ से क्या बना, आर थ्री एस आई ओ एच। नाउ देखो जो फर्स्ट स्टेप थी उसमें रिंग कैसे बढ़ रही थी, इस तरह से O S I R R, जिसमें हमने लीनियर बनाया था स्ट्रक्चर, R R O, इस तरह से अगर इसको हम कंबाइन करा दें O H S I के साथ R R R, तो देखो ये जो है, ये जाके लास्ट जो यहाँ पे होगा उसे O H निकाल के वाटर लगाएगा और ब्लॉक कर देगा। सो दिस विल यूज्ड एज टर्मिनेटिंग यूनिट। तो यहाँ से ये क्या बनाएगा, इस तरह से बन गया कि यहाँ से जो रिंग चलती आ रही थी, हमने क्या लिख दिया इसको, हमने इस तरह से लिख दिया कि ये जो यूनिट थी एस आई आर आर ओ, ये यूनिट है, दिस विल बी टर्मिनेटेड बाय दिस यूनिट, दिस इज एन प्लस वन, ये कितने भी हो सकते हैं, एस आई आर आर आर,
क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको ब्लॉक कर दिया है। सो टर्मिनेटिंग एजेंट की तरह टर्मिनेटिंग के लिए हम रिंग को चेन को टर्मिनेट करना है तो हम इसको यूज करेंगे। 2D या फिर हम लीनियर पॉलीमर बनाएंगे तो इसको यूज करेंगे, क्रॉस लिंक बनाएंगे तो इसको यूज करेंगे। नाउ अगर हमें साइक्लिक बनाना है तो साइक्लिक में क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं MI2SiON। सो यहाँ पे N कितना भी हो सकता है, N3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है। सो अगर N इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ से क्या बनाइए, Me2SiO3। सो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, 3 सिलिकॉन्स को लिखेंगे, 1, 2, 3, सबके बीच में ऑक्सीजन लगाएंगे, सभी सिलिकॉन्स के थ्रू के पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। अगर हम 4 यूज करें सो Me2SiO4 4 यूज करेंगे तो क्या बनेगा, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, यहाँ पे सब में ऑक्सीजन, सबके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप। सो इस तरह से अगर हमें साइक्लिक बनाना है तो साइक्लिक में हम क्या करेंगे, जितने भी सिलिकॉन गिवन है सबको रख के बीच में ऑक्सीजन से कनेक्ट करके देन उनके जो ग्रुप है उनको कनेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रेशियो ऑफ R3SiCl एंड R2SiCl2। दिस इज चेन स्टॉपिंग यूनिट या फिर चेन टर्मिनेटिंग यूनिट, और ये हमने जो लीनियर पॉलीमर बनाने के लिए यूनिट लिया था, इनका जो रेशियो होगा इन स्टार्टिंग मिक्सचर दिस रेशियो विल डिटरमिन द एवरेज चेन ऑफ पॉलीमर, कि चेन क्या होगी, पॉलीमर की जो चेन है एवरेज चेन है वो कितनी होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, ये रेशियो डिसाइड करेगा। क्लियर। सो कंक्लूड करने के लिए हम क्या बना सकते हैं, सो कंक्लूजन में हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमने Me3SiCl, Me की जगह R भी लिख सकते हैं, इससे अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहां से हमें मिलेगी चेन टर्मिनेटिंग यूनिट। और अगर Me2SiCl2 में को वाटर के साथ करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा चेन फॉर्मिंग ग्रुप, दैट इज लीनियर पॉलीमर। अगर हम MeSiCl3 को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे सो यहां से हमें मिलेगा ब्रांचिंग और ब्रिजिंग ग्रुप, दिस इज ऑल्सो चेन फॉर्मिंग ग्रुप यहां से हमें ऑब्टेन होगा, यहां से हमें मिलेगा ब्रांचिंग या फिर ब्रिजिंग ग्रुप, इससे हम क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाएंगे, और यहां से हमें क्या ऑब्टेन होगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर। अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन तो हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा दैट विल बी साइक्लिक। सो Me2SiON, यहाँ पे N क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6। सो N की जो वैल्यू होगी दैट विल डिफाइन, N की जो वैल्यू होगी 3, 4, 5, 6, इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो किस तरह का कंपाउंड बनेगा, मतलब साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कितने सिलिकॉन्स वगैरह यूज होंगे। सो दिस इज द कंक्लूजन रिगार्डिंग सिलिकॉन्स।